हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे, खुशहाल होंगे और अपना अच्छी तरह से ध्यान रख रहे होंगे। और मैं बना रही हूँ सिर्फ अपने लिए ब्रेकफास्ट। बच्चे लोग स्कूल जा चुके हैं, हस्बैंड जा चुके हैं ऑफिस, और पराठे रखे थे। मन नहीं आ रहा था मेरा कुछ ऐसा हैवी खाने का, तो फिर मैं अपने लिए दूध पत्ती बना रही हूँ। मतलब सिर्फ दूध है, इसमें बिल्कुल हल्की सी पत्ती डालकर मैंने उबाल लिया है और दो टोस्ट बना लिए हैं। दिन शुरू करने के लिए मुझे थोड़ा सा तैयार होना अच्छा लगता है, और तैयार होने में मैं बहुत ज़्यादा बेस मेकअप नहीं लगाती हूँ, बट मुझे काजल लिपस्टिक लगाना पसंद है। एंड टुडे आई अप्लाइड मामा अर्थ मॉइस्चर मैट लॉन्ग स्टे लिपस्टिक इन द शेड बेरीलिशियस मैजेंटा। दीज लिपस्टिक्स फ्रॉम मामा अर्थ स्टे ऑन योर लिप्स फॉर अप टू 12 आवर्स एंड दैट टू विदाउट स्मजिंग, गिविंग योर लिप्स बोथ अ बर्स्ट ऑफ कलर एंड अ डॉलप ऑफ केयर। क्राफ्टेड विद ब्राइटनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग नेचुरल इंग्रेडिएंट्स लाइक एवोकाडो ऑयल एंड विटामिन ई, दीज लिपस्टिक्स विल गिव योर लिप्स अप टू 8 आवर्स ऑफ मॉइस्चराइजेशन। और इन लिपस्टिक्स को बिना टेंशन लिए आप एवरी डे इस्तेमाल कर सकते हो, बिकॉज These lipsticks are made safe certified, which is a proof of no toxins, no chemicals and parabens. These lipsticks comes in 13 different shades and have a very intense non-drying matte color. I tried doing a swatch test and they are absolutely smudge proof. I'm also trying citrus nude shade on my lips and I am loving this shade. These lipsticks are comfortable to wear and are dermatologically tested. These are very lightweight and moisturizing. Aur agar aap bhi in lipsticks mein interested hai, make sure you're using my discount code, which is Neelam2022. इसका इस्तेमाल करने से आपको मिलेगा आपके ऑर्डर पे 20% का डिस्काउंट व्हेन यू प्लेस योर ऑर्डर थ्रू मामा अर्थ ऑफिशियल वेबसाइट और ऐप। और जब आप मामा अर्थ से कोई भी ऑर्डर प्लेस करते हो ना, देन दे हैव टेकन दिस प्लांट गुडनेस इनिशिएटिव, जिसके तहत एवरी टाइम यू बाय फ्रॉम देम दे विल लिंक योर ऑर्डर ऑन द वेबसाइट टू अ ट्री दैट दे विल प्लांट, एंड बाय 2025 दे आर एमिंग टू प्लांट 1 मिलियन ट्रीज एज पार्ट ऑफ दिस इनिशिएटिव। मामा अर्थ ने लॉन्च किया है गुडनेस इनसाइडर प्रोग्राम, विच इज बेसिकली अ लॉयल्टी प्रोग्राम, जिसमें आपको मिलेगा फ्री शिपिंग एंड फ्री गिफ्ट्स ऑन एवरी ऑर्डर एंड एक्सक्लूसिव सेल्स एंड ऑफर्स बट ओनली फॉर इनसाइडर्स। इनसाइडर बनने के लिए लिंक भी रख दिया मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चेक जरूर से कीजिएगा। ऑल्सो दीज लिपस्टिक्स आर ऑल्सो अवेलेबल ऑन फ्लिपकार्ट, अमेजोन एंड नाइका, बट विदाउट माई डिस्काउंट कोड। आपकी कन्वीनियंस के लिए सभी बाइंग लिंक रख दिए हैं मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चेक जरूर कीजिएगा। और आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मेरा आफ्टरनून टू नाइट रूटीन। मतलब सुबह का तो बहुत बार मैंने आपके साथ शेयर किया है कि कैसे सुबह का रहता है, बच्चों को स्कूल भेजती हूँ मैं, लेकिन वो लोग स्कूल जाएँ उसके बाद फिर मैं क्या करती हूँ, मैं यूजुअली फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट वगैरह कर लेती हूँ, कभी कभी हस्बैंड के साथ कर लेती हूँ जब छुट्टी वगैरह होती है, नहीं तो वो अकेले ही खा के जाते हैं। मेरा आजकल बिल्कुल भी सुबह में खाने का मन नहीं करता। फ्रूट वगैरह है या स्मूदी है वो तो फिर एक अलग बात हो गई, बट इस तरह का सॉलिड हैवी ब्रेकफास्ट करने का मन नहीं करता, तो वो मैं फिर यूजुअली अकेले ही करती हूँ, क्योंकि सब लोग जा चुके होते हैं तब तक। और उसके बाद फिर मेरा जो सुबह की क्लीनिंग वगैरह रहती है, नहाना धोना रहता है, वो सब निपटा के मैं वापस से किचन में आती हूँ बच्चों के लिए खाना बनाने के लिए। बच्चों के लिए नहीं, एक्चुअली लंच बोल लीजिए आप इसे, वो दोनों स्कूल से आएंगी और मैं भी लंच करूँगी उस हिसाब से। कभी कभी मैं अगर लेट ब्रेकफास्ट करती हूँ तो फिर मैं लंच स्किप कर देती हूँ, तो मेरा उतना मैं अपने आप को कंसीडर नहीं करती कि मुझे खाना है इसलिए बनाना है, बट वो दोनों आएंगी उसके बाद फिर उनको ट्यूशन भी जाना होता है, तो आई मेक श्योर कि लंच तैयार रहे। और कभी कभी सुबह में मैं ज़्यादा सब्ज़ी बना लेती हूँ, तो सिर्फ उनके लिए मुझे राइस या पराठा करना रहता है, थोड़ा दाल वगैरह छौंक देती हूँ या रायता कर देती हूँ, बट जैसे सुबह में उस तरह का नहीं बनाया या सुबह मैंने सिर्फ उतना ही बनाया है कि ब्रेकफास्ट के हिसाब से हो जाए, तो फिर लंच बनाना ज़रूरी होता है। और लंच मेरा ज़्यादातर एकदम सबसे आसान और क्विक वाला रहता है, दाल चावल या कुछ भी ऐसी चीज़ जो चावल के साथ खाई जा सके। हम लोग रात में बहुत बहुत कम, मतलब महीने में शायद 1 से 2 बार राइस खाते हैं, अदरवाइज़ राइस हमारा लंच में ही रहता है। तो आज मैं बहुत अच्छी सी आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ, थोड़ा
थोड़े ज़्यादा टमाटर और प्याज वाली, ये शानू खुशी को बहुत अच्छी लगती है। बहुत सारे प्याज वाले मशरूम भी उन दोनों को अच्छे लगते हैं। तो आलू टमाटर की सब्ज़ी में भी बहुत सारे अनियन डाल के उन्हें कैरामलाइज किया जाए, दे लव इट। और उसके साथ मैं बना लूँगी राइस। लंच में अगर मुझे दाल बनाना है तो वो दाल भी मैं सुबह जब किचन क्लीन होता है उस वक्त सोक कर देती हूँ, अदरवाइज़ लहसुन चाहिए, प्याज चाहिए, वो सब छील करके रख देती हूँ। मैं ना बहुत ज़्यादा मील प्रेप नहीं करती क्योंकि मेरा ना वैसे चलता नहीं है। मुझे जब मैं मील प्रेप करने की कोशिश भी करती हूँ कि कई सारे डब्बों में सब्ज़ियाँ काट काट के रख दी और फिर अभी कन्वीनियंट हो जाएगा, मेरा ऐसा चलता नहीं है। क्योंकि खाली मेरे हिसाब से घर चले ये तो पॉसिबल नहीं है, बाकी तीन लोगों के ओपिनियन भी रहते हैं। तो मैंने सोचा है कि चलो फॉर एग्जांपल वेडनेसडे नाइट में मैं बनाऊंगी आलू गोभी, और आलू गोभी मैंने काट के रख दिया है, बट दे विल बी लाइक कि आज खाने का मन नहीं है, आज ये नहीं खाना, आज दाल बना लो, हल्का बना लो, या ऐसा बना लो वैसा बना लो, तो फिर मेरी वो आलू गोभी रखी रह जाएगी कटी हुई, क्योंकि अगले दिन ब्रेकफास्ट का तो मैंने ऑलरेडी मील प्रेप कर रखा है। तो इसलिए मैं अगले टाइम या अगले से अगले टाइम बस इतना ही सोचती हूँ, जैसे सुबह में क्या बनाना है वो मैं रात में सोच लेती हूँ और उसकी प्रिपरेशन रात में कर लेती हूँ, और दोपहर में क्या बनाना है अगर ज़रूरत है उसकी प्रेप की, जैसे कि दाल वगैरह भिगोनी है तो वो भी मैं सुबह कर लेती हूँ। दो तीन दिन पहले से वो सारी तैयारी मैं नहीं करती, समहाउ दिस डज़ नॉट वर्क फॉर मी। और ढेर सारे प्याज टमाटर डाल के, बड़े बड़े आलू के टुकड़े डाल करके मैंने सब्ज़ी तो चढ़ा दी है प्रेशर कुक होने के लिए। आलू एकदम सॉफ्ट हो जाएं तब तक मैं उसे पकाऊंगी, फिर वो घुलने लगते हैं ना, तो ऐसी सब्ज़ी राइस के साथ बहुत अच्छी लगती है। पैरेलली राइस भी छौंक रही हूँ। मैं ना आपके कमेंट्स पढ़ रही थी तो वहाँ पे मैंने कुछ कमेंट देखे जो लाइक मेरी बेटियों के बारे में थे। वहाँ पे लिखा होता कि आप अपनी बेटियों को बहुत ही ज़्यादा नाजुक समझती हैं और अभी बेटियाँ इतनी बड़ी हो गई हैं कि वो सर में तेल लगा दें, कुछ और भी। मैं आपको बिल्कुल जेन्युइनली बता रही हूँ, ऐसा नहीं है कि दिखता नहीं है तो होता नहीं है। दे हेल्प मी अ लॉट, दे हेल्प मी अ लॉट। मेरे पैर में ना नेल पेंट लगा हुआ है, ये हटाया भी शानू नहीं था, लगाया भी शानू नहीं था। अभी कल परसों के व्लॉग में मैंने आपको दिखाया था मेरी चोटियाँ बना रही थी, एक्चुअली वो मेरा को मैंने बोला मेरा सर दर्द हो रहा है तो मैं जाकर लेट गई तो मेरा सर दबा रही थी, एंड देन जैसे बच्चे फिर खेलने लगते हैं तो उसने मेरी दो चोटियाँ बनाती थी। तो एक्चुअली पहली सीटी आ गई है, दो और सीटी आएंगी तो मैं गैस बंद कर दूंगी। तो वो लोग मेरी बहुत हेल्प कराते हैं, मैं उनकी साइड नहीं ले रही हूँ और ना ही मुझे आपके कमेंट्स का बुरा लगा। हाँ, आप उनको व्लॉग में कम देखते हो तो आपको ऐसा लग सकता है कि सारे दिन मैं ही लगी रहती हूँ, ऐसा नहीं है। मेरे हस्बैंड भी बहुत हेल्प कराते हैं, बच्चे भी हेल्प कराते हैं, आसपास जो भी होते हैं, मेरे इन लॉज हैं चाहे देवरानी है, सब लोग हेल्प कराते हैं। इट्स जस्ट दैट कि जो दिखता है ऑब्वियसली फिर वैसा ही लगेगा। तो वो दोनों अभी एक ऐसी एज से गुजर रही हैं जहाँ मैं उनके ऊपर ना स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहती। देखो, जो लड़कियाँ होती हैं ना उनके लिए ज़िंदगी भर काम करने वाली सिचुएशन बनी ही रहती है। आप अगर शादी कर लेते हो तो फिर होम मेकर बन जाते हो, वाइफ बन जाते हो, फिर बच्चे आ जाते हैं तो मम्मी बन जाते हो, तो काम कभी भी हाथ से छूटता नहीं है, हमेशा काम लगा रहता है। और आजकल तो गर्ल्स वर्किंग वुमेन भी हैं तो फिर डबल डबल ड्यूटी निभानी पड़ती है। दोनों में से कोई एक ड्यूटी भी करते हैं तो भी बहुत काम लड़कियों को करना पड़ता है। यही जो थोड़े दिन होते हैं ना जब गर्ल्स अपनी मम्मी के घर रहती हैं, अपनी मम्मी पापा के साथ रहती हैं, यही थोड़े आराम के दिन होते हैं कि उनके दुख के बारे में उनसे पहले कोई सोच सके, उनके सुख के बारे में उनसे पहले कोई सोच सके, आगे तो फिर काम ही काम है। तो मैं चाहती हूँ कि हाँ, मेरी बेटियाँ आराम से रहें,
पर मैं ये भी इंश्योर कर रही हूँ कि वो सारी चीज़ें सीखें टाइमली, और इसके लिए मैं उनको किचन में भी बहुत इन्वॉल्व करती हूँ, एक सेकेंड, और उनके पापा अपने लेवल पे उन्हें चीज़ें सिखा रहे हैं। अभी जो हमारा स्कूटी जो लेकर आए हैं शर्मा जी, वो बेसिकली इसी प्लान से लेकर आए थे कि इसी स्कूटी से शानू को स्कूटी चलाना भी सिखा देंगे। तो बेचारियों का आजकल डांट भी बहुत पड़ जाती है, क्योंकि थोड़ा हम लोग भी और थोड़ा स्कूल में भी एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई हैं, बिकॉज उन लोगों का एक सर्टेन एज आ गया, दे आर नॉट किड्स एनी मोर। तो मैं यही बोल रही हूँ कि जस्ट बिकॉज वीडियो में दिख नहीं रहा है, तो आप ऐसा मत सोचें कि इस तरह का कुछ भी सिनेरियो। आई टोटली अंडरस्टैंड कि आप लोग मेरे भले के लिए ही बोल रहे हैं, आप लोगों को लग रहा है कि थोड़ा मुझे आराम मिल जाए, बट मुझे इनफ आराम मिल जाता है। और आजकल तो मैं एवरीडे व्लॉग्स भी नहीं डाल रही हूँ, बिकॉज पिछले कुछ दिनों से आई एम नॉट फीलिंग गुड। ऐसा नहीं है कि मेरी तबीयत ख़राब है, बट जस्ट थोड़ा सा ऐसा मुझे ऐसा फेज लग रहा है, लाइक इमोशनली ड्रेन्ड आप मुझे कह सकते हो। आई एम फीलिंग मैं पिछले कुछ दिनों से इमोशनली बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गई हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा काम करने का मेरा मूड नहीं आता है, सिर्फ थोड़ा बहुत जितना मैं कर सकती हूँ। हाँ, जो मेरी ड्यूटीज़ हैं वो तो मुझे निभानी है, और ये मेरे लिए एक मोटिवेशन भी है कि हाँ आज के दिन में मैंने ये सब अकम्प्लिश करा। तो मैं आपसे वही बोल रही थी कि थोड़ा सा अभी वक्त ऐसा चल रहा है, मैं सब कुछ चीज़ें यहाँ नहीं बताना चाहती क्योंकि ये थोड़ा सा पर्सनल है, बट चीज़ें अच्छी हैं, मैं मेरा ख्याल रखती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव। इंसान में खुशी की जो एज है ना, जैसा मैं पहले भी बोल रही थी, इस एज में बच्चे बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं, बिकॉज उनकी एज ऐसी होती है, और बहुत सारे नए चेंजेस, अभी तक जितने उनमें चेंजेस आए थे वो ज़्यादातर फिज़िकल होते हैं, और इस वक्त पे इमोशनल मेंटल चेंजेस भी बच्चों में आते हैं, उनको बहुत ज़्यादा यू नो हॉर्मोन्स प्ले देयर गेम्स। तो थोड़ा सा उनके साथ प्यार से दोस्त की तरह पेश आना भी ज़रूरी है। आपके घर में अगर मेरे बच्चों जैसे बच्चे हैं तो ये आपके लिए भी है कि थोड़ा उनसे इस वक्त दोस्त की तरह पेश आएँ। जो ज़िंदगी है ना, वो किसी को भी स्पेयर नहीं करती है। अगर आप अभी नहीं सीखेंगे, देर से सीखेंगे, तो पर लाइफ में सीखना तो पड़ेगा, तो ये मुझे अच्छी तरह पता है। तो अपने टाइम से, अपने हिसाब से और उनके हिसाब से मैं उन्हें चीज़ें सिखा रही हूँ। ट्रस्ट मी ऑन दिस। बच्चे लोग स्कूल से आ जाने के बाद उन लोगों को मैं लंच देती हूँ, वो लोग थोड़ा फ्रेशन अप होते हैं, और उनके स्कूल से घर आने और वापस ट्यूशन जाने में एक घंटे का ही टाइम रहता है, तो इसमें उनको खाना पीना भी होता है, वापस से तैयार भी होना होता है, तो उस बीच में वो लोग नैप नहीं लेते हैं। अभी अगर नैप लेने भी लग जाए तो फिर ट्यूशन के लिए उनको वेकअप करना मुश्किल हो जाता है, और इसलिए दे आर लाइक कि चलो छोड़ो मम्मा आकर ही सो लेंगे थोड़ा सा। तो वो लोग ट्यूशन चले गए हैं, मैंने बर्तन वर्तन साफ़ कर दिए हैं, फिर ये लोग ट्यूशन से वापस आए हैं, तो ये लोग बैठकर पढ़ रही हैं। ट्यूशन वाला एज सच उनको कोई होमवर्क नहीं मिलता, बट स्कूल का होमवर्क तो रहता ही है, तो अपना होमवर्क वगैरह निपटा रही हैं। तब तक जब तक वो लोग होमवर्क करते रहती हैं, मैं घर के जो दो चार और दूसरे काम हैं जिसमें यूजुअली कपड़े फोल्ड करना होता है, शाम का दिया बाती वगैरह होता है, वो मैं निपटा लेती हूँ। हस्बैंड घर आ चुके हैं तो चाय बना रही हूँ। जो लड्डू आप देख रहे हो ना, ये गोंद के लड्डू हैं। अभी थोड़ी थोड़ी सर्दियाँ शुरू हो चुकी हैं, तो सर्दियों वाले लड्डू तो बनने बनते हैं, तो मैंने पहली बार इस सर्दियों में जो लड्डू बनने थे वो बनाए हैं, गोंद आटे के लड्डू हैं। आपको रेसिपी चाहिए तो मुझे बताइएगा, मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। और यहाँ आप कस्टर्ड एप्पल देख रहे हो, ये ना फ्रिज में रखे हुए थे दो दिन से, तो ऐसा कलर हो गया, बाहर तो ये ग्रीन ही थे, तो मैंने सोचा कि मैं और हस्बैंड चाय पीने वाले हैं, बच्चे लोग के लिए इसका मैं मिल्क शेक या लस्सी बना देती हूँ। ओपिनियन पोल लिया, बोथ वर लाइक मम्मा लस्सी बना दो, तो मैंने कस्टर्ड एप्पल छील करके रख दिया है, मैं उसकी लस्सी कर दूंगी थोड़ी देर में उनके लिए।
और कस्टर्ड एप्पल के बीज निकालना कभी कभी एक टास्क हो जाता है। जब हम खाते रहते हैं तब तो एक अलग बात है, वो मुंह से फिल्टर होकर आ जाते हैं, लेकिन किसी रेसिपी में चाहिए तो बहुत मुश्किल होता है। इसके लिए आप इस तरह जैसे मैं कर रही हूँ, छलनी में जो आपका कस्टर्ड एप्पल का पल्प है उसे डालकर चम्मच से थोड़ा सा प्रेस करते हुए मैश कर लीजिए। ये पूरा पूरा तो थ्रू नहीं होगा स्ट्रेनर से, लेकिन बीज है ना सारे निकल आएंगे प्रेशर लगाने से। फिर आप इन्हें चुन चुन के निकाल दीजिए। ये छलनी वाला तरीका मुझे ज़्यादा पसंद है। एक और तरीका है कि आप ये जो पल्प है ना उसे जो हमारा मैनुअल चॉपर रहता है ना उसमें डाल करके थोड़ा सा चला लीजिए, और उसके बाद फिर ये बीच साइड हो जाते हैं और फिर वहाँ से चुन करके फेंक दीजिए। बट ये छलनी वाला मुझे थोड़ा सा ज़्यादा कन्वीनियंट एंड ईजी लगता है, और बस देखते ही देखते सारे के सारे बीज जो हैं हट गए हैं, और ये जो मोटे मोटे ऊपर चंक्स रह गए ना इसे जो पल्प स्ट्रेन हुआ है उसमें मैं वापस से मिक्स कर दूँगी। इसको एज सच छलनी से पास करने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो पल्प तैयार होता है ना ये मल्टीपर्पज़ है, इसको आप लस्सी में इस्तेमाल कर सकते हो, मिल्क शेक में इस्तेमाल कर सकते हो, फ्रूट क्रीम में इस्तेमाल कर सकते हो, और इसकी आइसक्रीम भी बनाई जा सकती है। रेसिपी आपको चाहिए आइसक्रीम वाली, फ्रूट क्रीम वाली, तो बता दीजिएगा, मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। देखिए बहुत ही टेस्टी, बहुत ही गाढ़ी बढ़िया वाली लस्सी होगी ये तैयार सानवी खुशी के लिए। और सीताफल की बासुंदी तो मैं आपको बताना ही भूल गई, इसकी बासुंदी भी बहुत अच्छी बनती है, और इसकी अंगूरी बासुंदी भी बनती है जो हमारे इस रीजन में बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है। हम लोगों ने जब फर्स्ट टाइम खाई थी तो वी वर लाइक क्या चीज़ है, कितनी डिफरेंट है, तो बहुत यमी लगती है। रेसिपीज तो मैं आपके साथ धीरे धीरे शेयर कर ही दूँगी। हस्बैंड घर आ गए थे ना तो हम लोग बैठकर चाय वाय पी रहे थे, बातें बातें कर रहे थे। एक नेटफ्लिक्स पे ना सीरीज़ है डामर करके, आपने अगर देखी हो तो बताइएगा मुझे, मन था मेरा मैं वो सीरीज़ देखूं। तो हम लोग देखने बैठे, हस्बैंड तो मेरा इतना इरिटेट हो जाते हैं इस तरह की चीज़ों से, उनको इतना सा भी नेगेटिव वाइब आती है ना किसी चीज़ से तो वो उसमें फिर नहीं पड़ते। तो उन्होंने कहा कि तेरे को देखना है तू देख ले, मैं ये नहीं देख रहा। तो मैंने कहा चलो छोड़ो, मुझे भी अभी डिनर बनाना है, तो वो फिर छोड़ दिया। आपने देखी तो मुझे बताइएगा हाउ इज़ योर एक्सपीरियंस, क्योंकि उसके बारे में मैंने बड़े अच्छे रिव्यूज़ पढ़े हैं। तो मैं यहाँ डिनर बना रही हूँ एकदम आसान वाला। मैंने जो मेरा इलेक्ट्रिक चॉपर है ना इसके अंदर डाली है थोड़ी सी गोभी, हरी मिर्ची, अदरक, बहुत सारा धनिया, हैंडफुल मेथी के पत्ते, और इन सारे को मैं एक साथ ही चॉप कर लूँगी। और इसमें और भी सारी सर्दियों वाली जो सब्जियां होती हैं ना वो आप ऐड कर सकते हो, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, लाइक ब्रोकली हो गया, थोड़े कैरेट्स डाल सकते हैं, थोड़े कैबेज, स्प्रिंग अनियंस, जितनी ज़्यादा सब्जी उतना बढ़िया ये बनेगा। वैसे तो मैं पराठा बना रही हूँ, बट इट विल बी लाइक थेपला स्टाइल पराठा, और बहुत ही बढ़िया लगता है। बहुत सारी इसमें सब्जियां होती हैं, आटा थोड़ा कम ही रहता है, और ये गर्मा गर्म ना दही से, अचार से खाने में बहुत अच्छा लगता है। बारीक बारीक मेरी सारी सब्जियां हो चुकी हैं रेडी, इसके अंदर मैं ऐड करूँगी आटा। तो ये जो रेगुलर आटा रहता है हमारा गेहूं का, रोटी जिससे बनती है, वही मैंने ऐड किया है। बट आप इसमें थोड़ा सा बेसन मिला सकते हैं, थोड़ा सा ओट्स का आटा मिला सकते हैं, तो टेस्ट के हिसाब से भी और हेल्थ प्रेफरेंसेस के हिसाब से भी आप इसमें वेरिएशन कर सकते हो। ऐड किया है मैंने थोड़ा इसमें स्वाद के हिसाब से नमक, लाल मिर्ची का पाउडर, हल्दी का पाउडर, धनिया का पाउडर, थोड़ी सी हींग। मैंने इसमें हरी मिर्ची डाली थी बट वो बहुत तीखी नहीं है, इसलिए मैंने थोड़ा लाल मिर्ची का पाउडर ऐड किया है। एक बड़ा चम्मच जैसा ऑयल ऐड किया है मैंने मोइन के लिए। ऑल्सो मैंने इसमें हींग डाली है, बट अगर प्याज चॉप करके आप ऐड कर रहे हो तो फिर हींग डालने की ज़रूरत नहीं है। और आपको अगर पसंद आता है तो आप इसमें हाथों से क्रश करके अजवाइन और थोड़ा सा कूट करके जो आखा धनिया रहता है ना एंड ज़ीरा, ये सब भी ऐड कर सकते हो। वो टोटली आप पे डिपेंड करता है, आपको ये वेरिएशन अच्छा लगेगा तो आप ऐड कर सकते हैं। पहले हाथों से आटे को और जो सब्जियां हैं ना उसे मिक्स कीजिए, अंडरस्टैंड कीजिए इसमें कितने पानी की ज़रूरत है, और उसके हिसाब से ही बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके आटा लगा लीजिए। आटा लगाइएगा थोड़ा सा सख्त, क्योंकि पानी डलते ही
नमक डलते ही सब्जियां जो है और भी लूज़ हो जाती हैं, तो आटा आप अभी सख्त लगाओगे बट वो थोड़ी देर में सॉफ्ट हो ही जाने वाला है, तो पानी ज़रा ध्यान से डालें। ये पराठे हैं ना, मैं तो अभी रात में बना रही हूँ, रात में भी अच्छे लगते हैं, बट अगर आप सुबह बना रहे हैं ब्रेकफास्ट में, मैं यूजुअली इसको तड़के वाली दही के साथ बनाती हूँ। तड़के वाले दही की रेसिपी मैंने एक दो व्लॉग पहले ही आपके साथ शेयर करी है, आपने अगर मिस किया है तो देख लीजिएगा व्लॉग अगेन, वो बहुत अच्छी लगती है पराठों के साथ। और बस ये जो आटा है ना, इसको बहुत रेस्ट ना कराएं, जितना हम प्रेप करते हैं ना डो लगाने के बाद, फिर हाथ वाथ साफ करते हैं, प्लेटफॉर्म साफ करते हैं, पराठा बनाने के लिए जो बाकी तैयारियाँ होती हैं, हमारे अपने किचन गैजेट्स जो हम तैयार करते हैं पराठा बनाने के लिए, उतने में जितना टाइम ये रेस्ट करेगा बस इट इज़ इनफ, इट्स गुड टू गो। बहुत रेस्ट कराएंगे तो आटा लूज़ हो जाएगा। और बस पराठे बना लीजिए, आप इसको फोल्ड भी कर सकते हैं, लाइक बीच में थोड़ा सा तेल वेल लगा करके आप इसको परतों वाला बना सकते हैं, अच्छा बनता है, या सिंपल इसी तरह थेपला स्टाइल आप बना लीजिए। एंड ये जो पराठे हैं मेरे, ये मेरा जो स्किलेट है ना, ये इंडस वैली से लिया था मैंने, इसमें बना रही हूँ मैं पराठे है ना, इसी में बनाना पसंद करती हूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हैवी है, थिक है, लोहे का है, तो इसमें पराठे बहुत ही बढ़िया सिकते हैं, एकदम अंदर तक सिक भी जाते हैं, बहुत ज़्यादा जले जले भी नहीं लगते, क्रिस्पी बढ़िया करारे बनते हैं। तो सारे पराठे मैं फटाफट से सेक लूँगी। एंड यस, आप छोटी मोटी पिकनिक प्लान कर रहे हो तो उसमें भी इस तरह के पराठे आप साथ में ले जा सकते हैं, ये जल्दी से ख़राब नहीं होते, एंड ये थोड़ा सा ना पुराना हो जाता है, जैसे आपने रात में बनाया सुबह खाएंगे तो ये चाय के साथ और भी ज़्यादा स्वाद लगते हैं। तो चलिए, यहाँ पे मेरा डिनर भी ऑलमोस्ट हो गया है, इसके बाद वही रात का जो रूटीन रहता है, क्लीनिंग रूटीन, किचन विचन साफ़ करेंगे, अगले दिन बच्चों को भेजने की तैयारी करेंगे। और बस इसी के साथ आ गए हम इस वीडियो के एंड पर, उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी है, वीडियो में कहीं भी कुछ भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक दीजिएगा, चैनल पर अभी आप नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, इट मोटिवेट्स मी, इट सपोर्ट्स मी। जल्दी मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो के साथ, टिल देन ऑल ऑफ़ यू टेक रियली गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, टेक केयर, बाय बाय।